आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी को कि जिन्होंने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए अधिकृत किया। महोदय, इस बिल को लाने के लिए जो एम बताया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग और दूसरा है कि इन्फ्यूज द प्रोफेशनलिज्म इन द गवर्नमेंट मेजर पोर्ट, तो आई थिंक ये तो गलत ढंग से इस बिल को लाने के लिए इसका मकसद कुछ और है। इसमें अगर इन्होंने ये किया होता कि इसमें इन्फ्यूज द प्रोफेशनल जगह पे इन्फ्यूज द बिजनेसमैन इन मेजर गवर्नेंस मेजर पोर्ट तब तो बात बनती थी, लेकिन इन्होंने इस बात को रखा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये बिल आज के बाद से पास होने के बाद से 90 डेज के अंदर ये बोर्ड का गठन करेगा और बोर्ड के गठन के बाद उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बनाए जाएंगे और उसमें कई सारे लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट से उसके मेंबर बनाए जाएंगे, लेकिन एक बात इसमें नहीं रखी गई है कि इन पोर्ट्स में लाखों कर्मचारी SC ST के हैं और उन SC ST कर्मचारियों के साथ में शोषण होता है, मानसिक रूप से होता है, शारीरिक भी होता है और आर्थिक भी होता है। उनके कहीं सस्पेंशन होता है, कहीं सियाह खराब किया जाता है, कहीं ट्रांसफर होता है, बेवजह होता है, लेकिन उनकी आवाज़ को उठाने के लिए और रखने के लिए ऐसा कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रावधानों की भी जरूरत है कि जहाँ पर SC ST के लोग वहां पर अपनी आवाज को रख सकें। जो इसमें आपने एक पॉइंट रखा हुआ है कि महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, तो इस प्रावधान में मैं चाहता हूं कि SC ST के मेंबरान भी होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश के अंदर आप अर्थव्यवस्था के नाम पर हर जगह हर चीज को बेच रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घर में कोई दो बेचे होते हैं और दो बेटे में से एक ऐसा बेटा होता है कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेचता रहता है और दूसरा एक ऐसा बेटा होता है जो प्रॉपर्टी को कमा करके बनाता रहता है, तो हर घर में उस बेटे को तवज्जो मिलती है जो प्रॉपर्टी को बनाता है कि ना कि बेचता है। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं चाहता हूँ माननीय उपसभापति महोदय कि आप इस सिस्टम में जो हमारे SC ST एम्प्लाइज हैं उनका भी हित का ध्यान रखें, क्योंकि पूरे देश के अंदर के साथ में शोषण होता है, इस बात को ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। थैंक यू।